واریاہ اصل سٲری یہ زن چھ تہ چھو واقعی خوش قسمت انسان یمن یس ٹیم میلیو زیر سال हमने सिटी से डाउन में जो 10 किलोमीटर सब जुडिशियस था उसमें भी कुछ अड़चने हमें आई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पार्टी बनाई, खुद हमने एडवोकेट मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बेहतरीन तरीके से 3 साल में मेरे ख्याल से 10-12 इंफॉर्म अभी तक दे दी है सफाई कर्मचारी को, मगर आज की जो इंफॉर्म हमने अच्छा प्रोग्राम था। ये जो म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरी ना के स्वीपर्स है, ये म्युनिसिपल कमेटी की शान है और उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनका हक भी बनता है। सर्दियों के आयाम में इनका जो गर्म कपड़े उनको पहले देना चाहे थे, मगर फिर भी हम म्युनिसिपल कमेटी के जो जिम्मेदार है खासकर इकबाल साहब हैं, बड़े मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने बर वक्त उनको ये गर्म कपड़े मुहैया किए ताकि आने वाले मौसम में जो बर्फबारी का खतरा है, जो बर्फबारी का इम्कान है उसको मद्देनजर रखते हुए ये उसमें परेशानी के आलम में न जाए और उनका सेहत का खास ख्याल रखें। मैं अपनी तरफ से ड्यूरू सिटीजन फोरम की तरफ से पूरे टीम को, इकबाल साहब की पूरी टीम को जो अंथक कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो ड्यूरू वेरीनाग से हमारे बशीर साहब आए थे, अमीन साहब सोफी आए थे, फारूक साहब बीमार थे, बाकी मैं सभी साथियों को आपकी तरफ से मुबारकबाद कहता हूँ कि आने वाले वक्त में ये आई प्रोग्राम होने चाहिए इनको बूस्ट करने के लिए। जो म्युनिसिपलिटी है, म्युनिसिपलिटी कमेटी ड्यूरू वेरीनाग, तो डिपेंड करती है ये जो हमारा ग्राउंड फोर्स है, क्योंकि बाकी बिल्डिंग होने से कुछ नहीं हो सकता है। जब यही कर्मचारी आज, मतलब आपको पता है कि अब प्रिडिक्शन भी है बर्फबारी होने वाली है, जब हमारे गली को के साफ नहीं है तो कोई मतलब नहीं निकलता है म्युनिसिपलिटी के होने का। और मैं खासकर प्रेसिडेंट इकबाल साहब और उसके टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इनकी हौसला अफजाई की। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना ही बताना चाहूँगी, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हमारे एमसी डूरू के साथ कोऑपरेट करते हैं हमारे माहौल को साफ रखने के लिए, मैं उनका हार्टली शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज क्योंकि वो हमारे माहौल को साफ रखते हैं तो तभी हम भी तंदुरुस्त हैं। और इसके साथ साथ मैं उनको इसके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हमारी एमसी डूरू के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे एमसी डूरू का भी काम काफ़ी अच्छे से फ्लो हो रहा है। एंड नेक्स्ट आई वुड हाईली अप्रिशिएट द वर्क दैट्स बीइंग परफॉर्म्ड बाय एमसी डूरू अलोंग विद द सिस्टम एंड एनवायरमेंट दे हैव क्रिएटेड हियर एंड नॉट ओनली टुडे बट इन द पास्ट एज वेल। Thanks for making Duru for what it is today. I would say that I must say that it's a neon sign in itself. And from building, I would say from building constructions of aesthetic value like fountains, to building high construction buildings of multi-purpose use, and from helping the needy to providing opportunities to the talented youth of Kashmir. मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहता हूँ यहाँ के जो हमारे वेरीनाग से आए हुए हमारे इंटेलेक्चुअल्स और जी शुगर वहाँ के, और डूरू से हमारे आए हुए वेरीनाग से खान साहब, डूरू से खान साहब और इमाम साहब ने यहाँ पर तशरीफ लाया, इसलिए कि आज हमारा दिन था असली 3 साल बेमिसाल। 3 साल में जो डूरू म्युनिसिपलिटी ने आज तक काम किया ये हिस्टोरिकल एक हिस्ट्री में एक लिखा जाएगा। जैसे हम पहले बोलते थे कि हिस्टोरिकल टाउन जो हमारे रसूल मीर साहब है उनके नाम से जाना जाता है, मुगल गार्डन जो जहांगीर साहब के नाम से जिन्होंने वहाँ पर मुगल गार्डन बनाया, मगर ये हिस्टोरिकल टाउन विदाउट सब्जेक्ट था। इस सब्जेक्ट को पूर्ण करने के लिए हमने कोशिश की कि हम डूरू वेरीनाग को किस तरीके से डेवलप करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 3 साल बेमिसाल आपके सामने हैं, आप जा सकते हो
पूरे डूरू वेरीनाग में शुद्ध मुद से डूरू म्यूनसिपलिटी डूरू वेरीनाग म्यूनसिपलिटी काम कर रही है। हमारे चिल्ड्रन पार्क्स में काम चल रहा है, ओपन जिम्स में काम चल रहा है, शॉपिंग मॉल्स में काम चल रहा है, स्लाटर हाउस में काम चल रहा है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट था सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें अलहमदिल्ला डिप्टी कमिश्नर ने हमारे को ज़मीन ट्रांसफ़र की है, तो मार्च के महीने में हमने टेंडर आउट उसका भी किया है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने हमें बजटरी सपोर्ट दिया उसमें भी हमने टेंडर आउट किए हैं, और जो हमने ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो बेसिक निस्टी ऑफ टाउन होते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम वो हमने यहाँ पर कायम किया। ई डायरेक्टर वर्दी लोकल बॉडीज़ कश्मीर जो हमारी मायना जैक साहब है जो भी 24 घंटे मेरी तरह काम करती है, कल उनसे डिस्कस होकर उन्होंने कहा कि डूरू वेरीनाग इस वक्त लीडिंग है जम्मू कश्मीर में, मैं आपको एडिशनल फंड्स भी दूंगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात करके मैं अपने यहाँ के जी शोर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पर आए, मुझे हौसला किया, यहाँ पर मेरी टीम को हौसला किया। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का शुक्रगुजार हूँ, खासकर हमारे डायरेक्टर लोकल बॉडीज जो हमारी बहन है उसका, और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला जी जिनकी कोऑपरेशन से डूरू वेरीनाग इस वक्त नंबर वन पर म्यूनसिपलिटी। सब्सक्राइब मेल प्रेस बेल आइकन, never miss an update.